मुंबई की अंधेरी के पीएसजे मीडिया विजन के भव्य ऑफिस में एक्टर फूल सिंह की होम प्रोडक्शन कंपनी उगना एंटरटेनमेंट के बैनर तले समाज को खास मैसेज देने वाली ज्वलंत मुद्दे पर बन रही शॉर्ट फिल्म रोरिंग टाइगर्स का मुहूर्त देश का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश इंडिया के दिग्गज टीम और मीडिया के तमाम पत्रकारों की मौजूदगी में किया गया। बता दें कि उगना एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर जाने माने सीनियर आर्टिस्ट फूल सिंह हैं, जो इसके पहले उगना एंटरटेनमेंट के बैनर तले हिंदी और मैथिली भाषा में समाज को संदेश देने वाली फिल्म हे भोलेनाथ बनाई थी, जो सुपर डुपर हिट रही और जिसे दर्शक आज भी सराहते हैं। संभो 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 पत्रकार बंधुओं, पत्रकार भाइयों, भाइयों इसलिए बोलता हूं कि हम भी आपके बिरादरी के लोग हैं। पत्रकार में भी कार लगता है और कलाकार में भी कार ही लगता है। पीछे जो आप देख रहे हैं उगना एंटरटेनमेंट, इससे बड़ा हमारा इमोशनल रिश्ता है। उगना मतलब भगवान शिव, बाबा विद्यापति के जीवन में भगवान शिव जब उनके यहां नौकर के रूप में आए थे तो उनका नाम उगना ही था। और मेरा इससे इमोशनल उगना एंटरटेनमेंट से लगाव इसलिए है कि आज से 19 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तो कलाकार लोग कार्ड बनाने सिंटा में और कहीं जाते थे, और मैं जीवन में पहली बार कार्ड बनाने कलाकार का नहीं गया था, कार्ड बनाने प्रोड्यूसर का गया था एमपीटीटी में। और ये उगना एंटरटेनमेंट तब मैंने इसको वहां रजिस्टर्ड करवाया था। ऑफिस ओपनिंग हो रहा है, एक महीने का जो अचीवमेंट है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, सलीम चोपड़ा भी प्रमोट किया पेपर को, क्या कहना चाहेंगे सर? एक महीने का जो सफर, एक महीना मैं हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया। मुझे जितना करना चाहिए था मैंने कहा, मैं किसी चीज़ को मिशन के रूप में लेता हूँ। और पाठक जी, आपने मेरी लड़ाई को देखा है, बड़े करीब से देखा है। मिश्रा जी भी आए, संतोष मिश्रा जी किधर है, आपने भी देखा है। मैंने इसे बीड़ा उठाया है। और मैं अगर एक बार मैं बोल रहा था कि मैं कभी कभी ऋषि करंजिया जी ऐसा लगता है जिससे मेरे सपने में आते, ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति मतलब 110 साल के बाद उस व्यक्ति का इसी पिछले महीने 15 सितंबर को हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। और जिस तरह से वो कार्यक्रम हुआ ब्रिट्स का, उस हिसाब से अभी एक महीना में मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने एक संकल्प लिया है कि 3 महीने के अंदर मतलब 14 जनवरी के बाद जो एक कार्यक्रम मुंबई में होगा उसमें इस देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा, शायद ही कोई उस राज्य के की भाषा होगी जिस भाषा में ब्रिट्स का पेपर नहीं छपेगा। ये मैं मिशन के रूप में लिया हूँ, एक जुनून के रूप में लिया हूँ, फौजी की तरह लिया हूँ। देखिए हमारे साथ हमारे कैप्टन कौन है, आप इनको देखिए, इनका अनुभव, इनकी ऊर्जा, और साथ में देखिए ये मंजू बरोट जो आईपीएल का सबसे जो बड़ा खेल जो आईपीएल है आजकल जो क्रिकेट का उसका पीआर करती है वो नीलम तिवारी। ये लोग ऐसे लोग जो हम अकेले ही चले थे जान ये मंजिल, मगर लोग ही मिलते गए और कारवा बनता गया। वही 3 महीने के बाद जब मुंबई में ब्लिट्स का एक सेमिनार होगा और जब उसमें मैं सफलता पाऊंगा तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ थोड़ा बहुत किया है। सर, उनको बॉलीवुड में मुकाम नहीं मिल पाता, छोटे गरीब की मूवी उनके अंदर टैलेंट होता है और निराश होकर होपलेस होकर चले जाते हैं, तो उगना एंटरटेनमेंट नए कलाकारों को किस तरह से प्रमोट करेगा, किस तरीके से मौका? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब मैंने फिल्म बनाई थी दीपक भाई,
सिर्फ एक कैमरा असिस्टेंट था जो संतोष सिंह मामले असिस्टेंट था कैमरा मैन कंधे पे लेकर जो कैमरा मैन तो बड़े होते हैं कैमरा असिस्टेंट भी था जो कैमरा लेकर लाइट उठ लेकर चलता है। एक सिर्फ लोग पुराने थे स्पॉट बॉय से लेके राइटर से लेके प्रोड्यूसर तो नहीं था प्रोड्यूसर से लेके ऐसा कोई कलाकार नहीं था कि उससे पहले उसने किसी फिल्म या किसी टेलीविजन में भी काम किया हो। मेरी हमेशा कोशिश होती है देखिए एक से एक ड्राइवर इनपी बिहार के यहाँ आता है मैं कलाकार को रूप में कहता हूँ कलाकार को ड्राइवर भी कहता हूँ मान लिया अगर मैं बहुत मेरे मन में लगता है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ तो मैं एक अच्छा सा ड्राइवर हूँ और मैं किसी के पास जाऊँ किसी प्रोड्यूसर के पास कहने के लिए आप मुझे काम दीजिए तो मैं तभी साबित कर पाऊंगा कि मैं अच्छा कलाकार हूँ अच्छा ड्राइवर हूँ जब वो मुझे काम देगा। आप मुंबई एक महीने दूसरी बार आए देखिए ब्लिट्स की स्थापना ही देश के विकास में अपना सक्रिय योगदान करने के लिए रुचिकरण जय जी ने की थी। उस समय का युग भ्रष्टाचार जो पनप रहा था उसको खत्म करने के लिए क्योंकि विकास में भ्रष्टाचार बाधक बन रहा था। आज 2014 के बाद से गांव-गांव तक सब आदमी ये जाना है कि भ्रष्टाचार का गला घोटा गया है उसका समूल उसका नाश किया गया है और विकास के लिए हर देश के नागरिक को जोड़ा गया है। पत्रकारिता पर बहुत सारे सवाल उठे और पत्रकारिता का जो प्रोफेशन है उसने भी अपने दायित्वों से कहीं से अलग के सोचना और काम करना शुरू किया क्योंकि हम सब लोग उस प्रोफेशन के हैं तो हम लोगों ने देश के सारे लोगों के साथ मिलके उसमें पत्रकार भी थे कलाकार भी थे अधिकारी भी थे बिजनेसमैन भी थे राजनेता भी थे कि हम विकास की पत्रकारिता और एक सकारात्मक पॉजिटिव जर्नलिज्म का एक प्रयोग करेंगे साथ में और उस प्रयोग को सफल करेंगे। नमस्कार सबको। सबसे पहले देखिए ये मैं सिर्फ फिल्म के बारे में बात करूँगा जी। एक्चुअल में आज मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म है फुल लेंथ फिल्म नहीं है शॉर्ट फिल्म है और अभी अगर 6-7 मिनट की फिल्म है अगर मैं उसके बारे में कुछ भी कहूँगा तो वो रिवील हो जाएगा। आपको थोड़ा उसका पृष्ठभूमि और थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ और आपने एक सवाल किया था इनसे उसका भी जवाब दे देता हूँ। हम दोबारा मिलेंगे जब ये फिल्म बन जाएगी नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएगा नवंबर 1st वीक में शूट करने जा रहे हैं और जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोबारा मिलेंगे उसी बहाने फिर से मिलेंगे तब मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। इतना बता देता हूँ कहानी तो नहीं बताऊँगा आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल कैरेक्टर का हमने देसीकरण किया है समझ लीजिए एक इंटरनेशनल कैरेक्टर है और उसको हमने देसी अवतार में हम उतारने जा रहे हैं और हमने पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश रखी है उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। लखनऊ अपने आप में बहुत ही खास है